ब्रेक्स वापस आ रहे हैं। खबर झांसी से, जहां पर अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यूपी एसटीएफ और चिरगांव थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दोनों टीमों ने घेराबंदी की, भारी मात्रा में तस्करी कर हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब बरामद की। साथ ही पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार भी किया है। टीम ने लगभग 40 लाख कीमत की अंग्रेजी शराब बरामद की है। बताते चले कि पिछले कई दिनों से यूपी एसटीएफ को लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि झांसी के रास्ते हरियाणा से अंग्रेजी शराब की तस्करी की जा रही है, उससे बिहार लाया जा रहा है। इस पर यूपी एसटीएफ ने चिरगांव थाना पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की और कानपुर हाईवे पर एक ट्रक को पकड़ा। ट्रक की तलाशी ली गई तो शराब को कंबलों के नीचे छिपा कर लाया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक में मौजूद रोहतक हरियाणा के निवासी इंद्रजीत और दिनेश शर्मा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने ट्रक से अंग्रेजी शराब की करीब 295 पेटी बरामद की। दोनों आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे लोग हरियाणा से अंग्रेजी शराब की तस्करी कर बिहार ले जाया करते हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया। ये कल रात में एसटीएफ की टीम ने चिरगांव थाना क्षेत्र में एक अशोक लीलैंड ट्रक पकड़े थे, संदिग्ध पकड़े थे। उसमें चेकिंग के में पता चला कि उसमें 294 पेटी अंग्रेजी शराब थी, जिस पे मुकदमा लिखा गया है, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख। दो लोगों को इसमें पकड़ा गया था और ये बिहार से बनारस जा रहे थे, सॉरी हरियाणा से ये बिहार जा रहा है। इनकी और भी सरगना की तलाश जारी है। हाँ, और उसमें कुछ बात पूछताछ में जो चीज़ें और निकल के आ रही है उस पर जाँच की जाएगी, और जो भी सही होगा उसके आधार पे और आगे लोगों को पे टारगेट कर